अभी ड्राइवर साहब क्या प्लान है आज का? सो यार ये ना 10 मिनट पहले आ गया था भाई कि मैं गाड़ी साफ करके आता हूँ, और भाई गाड़ी क्या बढ़िया साफ कर रखी लड़के ने। वाह नाइस, बढ़िया बढ़िया। देखो यहाँ पे तो पहाड़ी भाई, पहाड़ी। भैजी स्माइल। हाँ जी, तो मैंने पहन लिया है ये छपरी वाला चश्मा। बहुत सारे मीम्स में आपने देखा होगा, तो मैंने ये ले लिया है। और बताना कैसा लग रहा है? हमारे साथ है शैलेज व्लॉग। तो व्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। वेल हेलो नमस्कार मेरे दगड़ियों, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप कि आप लोग सब अच्छा होला, स्वस्थ होला, मस्त होला। ये तो और आई होप आपने होली भी बहुत अच्छे से खेली होगी घर पे। यार ये स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ये पुराना हो गया, पुराना बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे हैं, बहुत यूज़ कर रहे हैं। तो यार आज का प्लान ये है कि हम लोग जा रहे हैं अपने छोटे ताऊजी के यहाँ पे। और आज स्पेशली वहाँ क्यों जा रहे हैं? क्योंकि आज हम मिलने जा रहे हैं अपनी भांजी से, क्यूट सी भांजी से। पिछली बार मैं और भाई तो चले गए थे, हम तो मिलके आ गए थे होली के टाइम पे, आपने देखा होगा। भाभी को मिलना था तो इसलिए अभी वहाँ जा रहे हैं, और मिलाते हैं आपको आज छोटे से मेहमान से। हमारे घर के आसपास एक कॉलेज है, मेवाड़ लॉ इंस्टीट्यूट। राइट हैंड साइड में जो है ना पूरी मार्केट स्टार्ट हो जाती है, सीधे चौराहे तक पूरी की पूरी मार्केट है यहाँ। भाई ये है यहाँ पे बुद्ध चौक, जहाँ से सारे रास्ते इधर से उधर उधर जाते हैं, और हमें जाना है बिल्कुल सीधा। और देखो जो पहली बार ये ब्लॉग देखना चाहूँ तो बता दो कि मैं पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड बड़ी बिलोंग कर दूँ, और मेरे गाँव का नौ कठुली। और बहुत लोग बोलते हैं कि कठुली का कुड़दा, बेसिकली पौड़ी से अग्नि चौबट्टा कुड़दा मारो, और चौबट्टा से अग्नि खिरसू, और खिरसू से पहले एक बैंड जान मुड़े थे कठुली गाँव थे, यानी कि चौबट्टा और खिरसू का बीच मर गाँव कुड़दा। पौड़ी मा दूसरा नंबर में सबसे बड़ा गाँव था, और पहले नंबर में था निशनी गाँव, और दूसरे नंबर पे हमारा गांव आ जाता है कठुली गांव, जिसकी 3 ग्राम सभाएं हैं। तो भाई फाइनली इंदिरापुरम में एंटर कर चुके हैं, और ये बिल्डिंग यार मैंने तो बहुत, ये तो बहुत जल्दी बन गई भाई, मैंने तो देखी नहीं है बनती हुई। ये भी सामने देखो एक और बिल्डिंग बन रही है भाई, बड़ी देखते देखते मतलब ये पूरा एरिया सपाट था एक टाइम पे यार। माय गॉड गाइस, व्हाट इज हैपनिंग। तो भाई हम लोग आ गए हैं विवेकानंद लेन के अंदर, यहीं पे घर है, फर्स्ट फ्लोर है आई गेस। पिछली बार तो गलत आ गए थे हम लोग, इस बार थोड़ा सा सही जाएंगे। तो चलिए चलते हैं। तो भाई ये है, सब हमसे मिल चुके होंगे, मुझसे मिल चुके होंगे, मुझे आप लोग पहचान रहे होंगे थोड़ा थोड़ा सा। अंकित है, आप लोगों को देख लो। तो अंकित को आप लोगों ने देखा होगा रक्षाबंधन वाली वीडियो में, होली वाली वीडियो में, और आज आप देख रहे होंगे। अरे माय गॉड, अरे माय गॉड, अरे हु इज दिस सुपरस्टार। सो भाई हम लोग आए थे छोटे से मेहमान से मिलने के लिए, और छोटे से मेहमान भाई ये है हमारी छोटी सी भांजी निर्मा। सौंदर्य नहीं, आप गलत लगा रहे हैं। सौंदर्य क्या नाम है? साबुन निर्मा। नाम सौंदर्य? सौंदर्य साबुन निर्मा। निर्मा का नाम है उसका, के सबसे ज्यादा नौटंकी वाले मामू। हेलो करो। हंस गई। और ये आप देख सकते हैं पहाड़ी भाई जी ने बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस है। अब पापा की अंधार आ रही है उसपे, तो पापा की भी अंधार है। वो इतना मोटा मुंह इसने पहली बार देखा। तो दगड़ो आप क्रिकेट को आप लोग देखते होंगे, और उसमें हरभजन सिंह को तो आप जानते होंगे जो हमारे स्पिनर बॉलर है, लेकिन वो कैसी बॉलिंग करते हैं वो मैं आज आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो उनका स्टाइल कुछ ऐसा है, थोड़ा और पीछे हो जाए, थोड़ा लंबा रह जाएगा, ठीक है ऐसे करके। एक और बार 0.5 में बना के। पहले तो नॉर्मल ऐसे ऐसे करते थे, ऐसे करता था, लेकिन मेरे को किसी ने सिखाया है मेरे ऑफिस के लीग ने कि वो ऐसे करके पेट ऐसे देख के मारता। तो भाई ये है हरभजन की स्टाइल। देखो भाई दो बच्चे, बड़ा बच्चा छोटा बच्चा। कैसे हो बच्चे? बच्चे कैसे हो? मैं ठीक हूँ बड़े बच्चे। हाँ जी दगड़ियों। हाँ जी दगड़ियों। तो भाई ये थी हमारी बुल्ली, बुल्ली का नाम है अंकिता रावत। अभी रावत से क्या बन गया? नेगी। नेगी हो गया। अंकिता रावत नेगी की अंकिता नेगी?
फिलहाल तो मैं अभी अंकिता रावत ही चला रही हूँ। ऑलराइट, और ये है हमारी सौंदर्या नेगी। तो भांजी से मिलने हम लोग आज आए थे और बहुत अच्छा लगा भांजी से मिलके। समय आ गया है अब जाने का और हमें जाना है अभी कहीं और। भाई का एक फ्रेंड है, उससे मिलने जाना है। तो अलविदा करते हैं बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को अलविदा करते हैं। तो सौंदर्या बाय कर दो। बाय दोस्तों, बाय। अब हम फिर मिलेंगे। व्यूअर्स को मैं बोलूं, मतलब बोले इनको यार सपोर्ट करें थोड़ा, सब्सक्राइबर्स कहाँ हैं यार, शेयर नहीं करते। अरे यार दगड़ियों की कना जा, तुम लोग जरा सब्सक्राइबर बढ़ाओ मेरे पहाड़ी भैजी का भी और एकता के व्लॉग्स का भी। दो कदी अपना ही चैनल चिन भाई की हो गया था, अगर दो दो चैनल सब्सक्राइब करे नहीं एक ही गौरा का। करा करा सौंदर्य करी, मम्मी को क्या हो गया। करो करो, हाँ खूब करा खूब करा। चल 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 चल। हाँ जी दगड़ियों, तो यहाँ से तो हम लोग निकल गए हैं और अभी हमको जाना है। भाई का फ्रेंड है, वो रहता है राजनगर एक्सटेंशन में, तो भाई ने अभी भी शिफ्ट किया है, तो एक बार जा रहे हैं उनसे मिलने के लिए। और भाई ये इंदिरापुरम का पेट्रोल पंप है यहाँ पे सामने, और ये जगह पहले बहुत खाली हुआ करती थी, और यहाँ पे भी ना एक बड़ा सा मॉल बन रहा है। तो भाई कंस्ट्रक्शन तो जोरों पे चल रहा है पूरे इंदिरापुरम की तरफ, वसुंधरा की तरफ। दगड़े एक चीज मैं और आपको बता दूं, जितने भी वसुंधरा इंदिरापुरम के आसपास जितने भी हमारे पहाड़ी कम्युनिटी के लोग रहते हैं, मैं उनको बता दूं कि 19 तारीख को 19th of this month यानी कि 19 मार्च को, जो कि पड़ रहा है ये सैटरडे पड़ रहा है, तो सैटरडे को जो है हमारे वसुंधरा सेक्टर 4 के आसपास एक पहाड़ी प्रोग्राम का भी आयोजन हो रहा है, तो उसकी डिटेल्स मैं आपको धीरे धीरे दूंगा अभी। तो भाई ये आ गई है राजनगर एलिवेटेड रोड वाली, जो पूरा हाईवे जा रहा है फ्लाईओवर पूरा, तो इसी रास्ते से हम लोग जा रहे हैं। और कमाल का सनसेट हो रहा था पीछे, शीशे में आप देख सकते हो। वाह 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 वाह, कमाल का सनसेट है। यार और YouTube में ना बहुत कम ब्लॉग डाल दू, और अगर आप रेगुलर कंटेंट आप दिखना चाहते हैं तो Instagram में तो जरूर फॉलो करें मेरे Instagram और चैनल ऑन ऑचा पहाड़ी भेजी, तुम तो मैं स्क्रीन शॉट दिखने वालों जरूर फॉलो करें। तो भाई आ गए हम लोग यहाँ पे गौर कास्केड से, नहीं यहाँ से एंट्री ले लेंगे भाई, पार्किंग एरिया जा रहा है नीचे। सो भाई पहुंच चुके हैं हम द ग्रेट निखिल आगरी के घर। ये है भाई हमारा दोस्त, आपने देखा होगा भाई को, भाई वैसे अल्मोड़ा में रहता है बट यहाँ पे जॉब के चक्कर में फंसा हुआ है। फंसा हुआ नहीं है, थोड़ा सा और भाई किस थर्ड फ्लोर में अभी जाना है हमें। तो यार देखते हैं निखिल क्या कर रहा है चिकन में। और अरे भाई आज क्या स्पेशल बनने वाला है यार, आज हम बनाने वाले दो तरीके का चिकन, एक तो हम बनाएंगे चिकन ग्रेवी और दूसरा हम बनाएंगे KFC स्टाइल में स्मोकी ग्रिल्स। स्मोकी। और भाई ये बंदा निखिल आगरी चिकन बनाने में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है, और जब भी भाई मैंने चिकन खाया भाई के हाथ का, भाई वो अल्टीमेट होता है अल्टीमेट। तो यार आज भी हम होप करते हैं कि अल्टीमेट ही रहे। बिल्कुल भाई वो रहेगा ही रहेगा भाई 100%। चलो सबसे पहले हम इसको मैरिनेट कर देते हैं, दही डाल देंगे। सो यार यहाँ पे रेडी हो गया है चिकन, मैरिनेट हो चुका ऑलमोस्ट, इसको रखना नहीं है क्या अभी? और तो भाई मामला रेडी हो चुका है, और दिखने में तो भाई बहुत खतरनाक लग रहे हैं। खतरनाक क्या, मस्त लग रहा है दिखने में। और ये कौन सी चटनी है? शेजवान चटनी, मजा आ जाएगा। ये है आर्ट और ये है भाई आर्टिस्ट। आर्टिस्ट तो चेक करते हैं, बताते हैं कैसा है अल्टीमेट। भाई बनाते ही बड़े हैं, बहुत ही बढ़िया मजा आ गया, अल्टीमेट हो रहा है भाई, बहुत बढ़िया हो रहा है, और शेजवान के साथ तो बहुत मस्त हो रहा है। One eternity later. तो आई होप कि आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। और हमें हो गई थी कल थोड़ी देर, इस वजह से मैं आगे का ब्लॉग शूट नहीं कर पाया, तो जितना था उतना आपको दिखा दिया। और अभी नेक्स्ट डे संडे आ चुका है, मॉर्निंग हो चुकी है, अब मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय बद्री विशाल।